एलआरडी भर्ती परीक्षा में अन्याय होने की बात को लेकर अलग अलग समाज के लोग गुजरात सरकार के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शित कर रहे हैं और मालदारी समाज भी गांधीनगर में पिछले 26 दिनों से यहां पर धरने पर बैठा है। और आप देख सकते हैं कि मालदारी समाज के बड़ी तादाद में जो छात्र है और या उनके जो पेरेंट्स है वो भी यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और जिस तरीके से देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में जो सौराष्ट्र का जो इलाका है वहाँ से मालदारी समाज के जो छात्र है वो अपना यहाँ पर विरोध प्रदर्शित कर रहे हैं। उन्हीं से बातचीत करते हैं कि आप लोग यहाँ पर 26 दिनों से क्यों धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और आप लोगों की सरकार के सामने क्या मांग है। मेरा नाम लक्ष्मण है। हमारा यहीं गांधीनगर पे 26 दिन हुआ और पोरबंदर में 50 दिन हुए। हमारी मांगे है एलआरडी का 125 जो विद्यार्थी थे उनके साथ अन्याय था और हमारा वीडीसी जो कार्ड है, हमारा प्रस्ताव है यहीं कि वो विधानसभा में हमारा ठहराव में रायटा पे, और जो हमने आश्वासन भी दिया है सरकार ने कि 26 तारीख को हम तुम्हारा जो हक है हम आप देंगे, ऐसा आश्वासन हमको दिया है। इससे हमको विश्वास है कि हमारी सरकार हमें हमारा हक दे देगी। आप बताइए कि अन्याय किस तरीके से हो रहा है, पूरा मामला क्या है? मामला ये है कि 1956 में राष्ट्रपति के गेजेट में हम आदिवासी के लिस्ट में आए और 1992 में एक सर्वे हुआ, मलकान पंच की रचना हुई, उसमें सब अहवाल मलकान पंच ने सर्वे कर गिर में, बरड़ा में, आलेच में वो सब घूम घूम कर उसने एक सर्वे बनाकर अहवाल सरकार को दिया कि इस सब लोग जो है वो पहले से आदिवासी है, उसको अब सर्टिफिकेट देना चाहिए। इसलिए सर्टिफिकेट हमको देना चालू हुआ तो नरेंद्र मोदी साहब ने जब मांगरोड़ में एक मालदारी सम्मेलन हुआ और मालदारी सम्मेलन में नरेंद्र मोदी साहब के हस्त कमल से हमें सर्टिफिकेट मिलने लगे और सर्टिफिकेट के आधार अनुसार हम सब नौकरी करने लगे, सब करने लगे। हमारे पुत्रों, हमारे सब लड़का लड़कियां थे जो सब ने नौकरी मिलने लगी, लेकिन जो आदिवासी बिरसा मुंडा भवन में बैठे हुए जो अधिकारियों के द्वारा हम पर अन्याय हो रहा है। मतलब आप आदिवासी कोटे के तहत आते हैं और आपको भर्ती जो हुई उसके अंदर उस कोटे के तहत नहीं लिया गया? हाँ, नहीं ले गया है। हमको ऐसा शंकास्पद के दायरे में लेकर वो कहते हैं कि तुम्हारा जो सर्टिफिकेट है वो उसमें हमको शंका लगती है। भाई हम ऐसा कहते हैं शंका क्यों लगती है, जब मुख्यमंत्री के हस्त कमल से हमको सर्टिफिकेट मिला है और उसमें आपको शंका लगती है। इसलिए हम आज धरना करके बैठ गए कि हमको न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, लेकिन सरकार तरफ से कोई आया नहीं है। लेकिन उसको अब देखना चाहिए कि हमारे जो धर्म गुरु है, बड़े मठ के जेठाता है, जो सब परिवार इसमें इतनी बड़ी सेवा दे रहे हैं, क्योंकि हमारा न्याय की लड़ाई है, हम सत्य पर चल रहे हैं, हम असत्य पर नहीं चल रहे। आपको सरकार को देखना चाहिए, अब तो कितने दिन हो गए हैं। जो छात्र थे उन्होंने एलआरडी की भर्ती परीक्षा दी थी, उनके पिता ने कुछ ही दिन पहले आत्महत्या कर ली, बोला कि अन्याय हुआ है, फिर भी अभी तक सरकार की ओर से इस समस्या का कोई हल नहीं आया है, तो आगे की रणनीति क्या होगी सरकार यदि आपकी बात नहीं मानती है? आगे हम देखेंगे, जो सरकार की तरफ से कोई हमको न्याय मिले तो हमको कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर जो म्याजर भाई जो हूण है, हमारे लिए जो शहीदी बहोरी है, उसके दो बेटे हैं राजू और संजय, वो एलआरडी के भर्ती में उसके साथ भी अन्याय हुआ है। जो हमें न्याय नहीं मिलेगा तो आगामी दिन में हम एक महारैली गांधीनगर में करेंगे और महारैली में हम आएंगे, हमको न्याय आगे इस तरह से भी जो न्याय नहीं मिलेगा कि हमें यहाँ उठकर घर नहीं बैठेंगे, हम घर के जाकर सब गांव में जाएंगे, सब मालदारी को जगाएंगे कि भाई हम इसको वोट नहीं देंगे, हमको तो न्याय चाहिए, हमको अन्याय हो रहा है, अब सहन करने की शक्ति हमारे में नहीं है, अब तो हमें न्याय चाहिए। तो जिस तरीके से देख सकते हैं कि ये मालदारी समाज के जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि जिस तरीके से वो एसटी कोटे के तहत आते हैं पर उनके जो बच्चे हैं उनको इस कोटे के तहत एलआरडी भर्ती परीक्षा में नहीं लिया गया है और उनको सरकार की ओर से अन्याय हुआ है, यदि सरकार इनकी बातों को स्वीकार नहीं करेगी तो आने वाले दिनों में सरकार के खिलाफ आक्रामक आंदोलन करेंगे। कैमरा पर्सन शादी आलम के साथ गौतम जोशी, गुजरात तक, गांधीनगर।